कम ठीक है। बिहार एसएससी का कितना 17 नंबर सेट था, 17 है ठीक है। आ जाइए नीचे से, राहुल कुमार सिंह 19 मार्क्स है, लीजिए। हम आपके पीछे हैं। उसके बाद है तुलसी कुमारी 42 मार्क्स है, लो जल्दी आओ। ये रखिए इसको, आकाश कुमार, आकाश कुमार 50 मार्क्स है, तालियां बजाइए, तालियां नहीं बज रहा है आप लोगों से। विजय कुमार 53 मार्क्स है, मिथिलेश कुमार 56 मार्क्स है, अभिषेक कुमार सुनता हूँ, अभिषेक कुमार 57 मार्क्स है, उदय 64 मार्क्स है, छवि कुमार 65 मार्क्स है, लीजिए। राहुल जी 69 मार्क्स है, लीजिए। आइए ना, आप ही का है, विक्रम जी का 73, विक्रम 73 मार्क्स है, रखिए कैसे कर। सुरेंद्र जी 76 मार्क्स है, नितेश यदुवंशी 86 मार्क्स है, तालियां बजाइए, तालियां नहीं बज रहा आप लोगों से। अभिषेक जी 86, अभिषेक जी सेकंड, अभिषेक 86, अच्छा अभिषेक रॉय, अमित कुमार 88, अमित कुमार आ जाइए 88 मार्क्स है, सुनील कुमार 88, मेरा भी 88 मार्क्स है, मुकेश पंडित 89 मार्क्स है, आ जाइए। राजकुमार पंडित 90, राजकुमार पंडित 90 मार्क्स है, लीजिए। बबलू भैया 95, बबलू भैया 95, बबलू जी 95 मार्क्स है, लक्ष्मण पंडित 103 मार्क्स है, ओके रहने दीजिए। आज का टॉप थ्री है, आओ आने वाला है ना, श्याम एस के सिन्हा 106 मार्क्स है, तालियां बजाइए, थोड़ा सा टॉप थ्री का मार्क्स है। बताइए सर क्वेश्चन के बारे में, आज कुछ बताइए आप। क्वेश्चन ठीक ही था, ऊपर देखिए सर, ऊपर करिए, आना चाहिए 100+ नंबर आना चाहिए था, क्वेश्चन इजी था, उतना हार्ड भी नहीं था कि मतलब कि स्कोर नहीं आना चाहिए था। जीके के बारे में बताइए, जीके कैसा था, मतलब नॉर्मली था जीके, ठीक है। इस तरह का जीके अगर आए तो एग्जाम में कितना कट ऑफ जाना चाहिए? 100+ ही जाएगा, 100+ जाएगा। और जीके उतना हार्ड नहीं था, जीके स्लो था, इसमें करंट कोई ऐसा चीज था, त्रुटि था, मतलब जो ऐसा लग रहा था कि करंट कम है या मैथ कम था या क्या क्या आपको, मतलब इस सेट के अनुसार, एक सेट इस सेट के अनुसार आपको क्या इसमें कुछ कमी दिखा कि मतलब करंट देना चाहिए और, या मतलब कुछ साइंस से रहना चाहिए या मैथ से कम था, रीजनिंग कुछ डिफिकल्ट था, कौन सा चैप्टर, मतलब ये अनुसार तो देखा जाए तो सब चीज़ ठीक ही था, उतना मतलब ना इजी था मतलब ना हार्ड, मतलब मॉडरेट था जो उसमें आपको, ठीक है उतना। चलिए कोई क्वेश्चन बोल रहे थे, पूछिए पढ़िए उसके लिए बस। अगर पढ़े हुए हैं, अगर आपका पूरा कंप्लीट है मैथ तो आप प्रैक्टिस कीजिए वो मिक्स वाला, ठीक है। चलिए क्लैपिंग करिए, अजय ओम प्रकाश जी का 109 मार्क्स है, क्लैपिंग करिए, थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिएगा, थोड़ा 5 मिनट आप लोग रेस्ट नहीं ले सकते हैं। बताइए ओपी जी, आज आप अभी क्वेश्चन के बारे में बताइए पहले, उसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। मोबाइल नीचे सीधा लाइए, कॉपी लाइए, 115 सही है, एटम की नहीं कितना, अच्छा ठीक है। ये यहाँ देखिए ना, ये टू है ना, फोर्स कितना होगा,
चलिए क्वेश्चन के बारे में बताइए। क्वेश्चन बहुत अच्छा था आज का, और जीके था मतलब नॉर्मल, जैसे हम लोग जो प्रीवियस ईयर मारे थे वैसा ही था। और इसमें क्या है कि प्लस पॉइंट इसमें करंट है, 6-7 प्लेयर्स करंट अफेयर्स था, इससे इतना इससे ज़्यादा रहेगा, 10 प्लस रहेगा वो अच्छा है, लेकिन करंट बहुत कम था। और मैच का क्वेश्चन पहले की अपेक्षा इसमें सही है, इसीलिए मार्क्स सबका कम आया। ऐसा नहीं है कि उसमें क्या लॉलीपॉप क्वेश्चन था मैथ का, इसमें है सोल्यूशन वाला, इसमें है बेसिक मैथ, तो बेसिक मैथ बनाना पड़ेगा आपको, मैथ का रिवीजन। हाँ, मैथ का रिवीजन करना पड़ेगा, उसमें तो सब लॉलीपॉप था, इसमें बेसिक मैथ आ गया, सबका नंबर कम हो गया, हम जान रहे थे ऐसा ही होगा सर। तो आपके अनुसार मतलब वो बताए थे श्याम जी कि 100 प्लस होना चाहिए, आप अगर आप बताइए कि इस तरह का क्वेश्चन अगर बोर्ड में रहे तो BRSS का कितना कट ऑफ जाना चाहिए? 15 प्लस आएगा जी, 115 प्लस जाएगा सर का। है कि नहीं आदमी को क्वेश्चन किस OPG से? मैथ के लिए जो है ना, मैथ इसमें आप बेसिक, जैसे हम लोग प्रैक्टिस से चल रहे थे, इसमें सब बेसिक मैथ आएगा, ऐसा ही है। उसमें प्रीवियस क्या है, तो पहले वाला क्वेश्चन था आज से 10-15 साल पहले, लॉलीपॉप क्वेश्चन सब वो सब उठा उठा के दे रहे थे। चलिए ठीक है, क्लैपिंग करिए। और एक बात, करेंट भी पढ़ना पड़ेगा, 10 करेंट की थोड़ा। पवन जी 117 मार्क्स है, आइए क्लैपिंग करिए, थोड़ा सा बढ़िया क्लैपिंग करिए अच्छा से। बताइए पवन जी कुछ क्वेश्चन के बारे में बताइए, सीधा खड़ा रहिए, लाइए क्वेश्चन। क्वेश्चन ठीक ही है, जैसे कि भैया ने बोले सीधा खड़ा रहिए। हां, जैसे कि बोला गया क्वेश्चन काफी बेहतरीन था, और मैथ और ये रीडिंग भी ठीक था, करंट अफेयर्स हमको इसमें कम देखने को मिला है, 5-7 मुझे लगता है कि आया था, हां, जबकि 10-15 आना चाहिए था जो भी एग्जाम में आना था। और आगे हम यही बताएंगे कि मल्टीपल रिवीजन होना चाहिए, किसी भी बुक को अगर हम पढ़ते हैं तो कम से कम 4-5 बार पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से। जो अभी फॉर्म भर दिए जिनका 50 मार्क्स आया है अभी, मतलब जिसका 50 या 60 के अप्रॉक्स में है, उन लोगों के कैसे तैयारी किया जाना चाहिए? अभी तो टाइम है, मतलब अभी टाइम है, और टाइम को देखते हुए किस तरह से तैयार किया जाए बच्चा लोग, मतलब इस तरह इधर देखिए। हाँ बिल्कुल, जैसे देखिए आप जानते हैं कि इसमें मैथ और रीजनिंग का बहुत बड़ा योगदान है, तो मैथ रीजनिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए, उसमें एक्यूरेसी बनाना चाहिए मैथ रीजनिंग में। और रहा जीके की बात, तो लूसेंट है, SPD है, और मल्टीपल जैसे लूसेंट का ही ऑब्जेक्टिव आते हैं वो पढ़ना चाहिए, मेहनत चाहिए अच्छा खासा। अगर जिनको 50-60 आ रहा है तो उनको अच्छा खासा मेहनत चाहिए, खासकर मैथ और रीजनिंग पे, साथ साथ जीके पे भी। कम से कम मैथ रीजनिंग में मेरे ख्याल से 6 घंटा देना चाहिए टाइम, और जीके में कम से कम 4-10 घंटा पढ़ना चाहिए रोज, मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे ओपिनियन है मेरा। आज के हमारे ग्रुप के टॉपर हैं पवन जी, अगर किसी इंसान मतलब किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी किसी भी प्रकार का त्रुटि है, कोई क्वेश्चन है, इनसे पूछ सकते हैं, आप पूछिए, अगर कोई भी आदमी पूछना चाहते हैं कोई क्वेश्चन है तो। नहीं है, चलिए ठीक है, क्लैपिंग करिए अच्छा से। चलिए ठीक है।